हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पफ स्लीव्स ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, मैन फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेना है। आपको नीचे से हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा होना चाहिए और मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी ब्लाउज़ का, डीप नेक पर, प्रिंसेस कट पर। तो देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लेने हैं यहाँ पर 5.5 इंच और आर्म होल्स भी लेने हैं 5.5 इंच। फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, स्टिचिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकते हैं वीडियो को पूरा वॉच करके। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ चेस्ट का, वो फोर्थ पार्ट है। तो इस तरीके से 9 इंच मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और देखिए, एक इस यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, ये चेस्ट की लाइन है। यहाँ से क्या करना है, हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करना होता है डीप नेक के लिए। तो इस तरीके से मैंने तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। कमर है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 8 इंच और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो पहले मैंने मेन नाप के लिए यहाँ पर मार्किंग कर ली है, उसके बाद हम 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं ब्लाउज़ में। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। दोनों तरफ इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसे हम लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे स्केल से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल ब्लाउज़ की मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बढ़ाना है 1 इंच बैक पार्ट में प्लिट्स के लिए, जो हम लेते हैं 1 इंच ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा। और 1 इंच हमें यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई करनी है इस तरीके से। तो ये गोलाई मैंने कर दी है, बैक पार्ट की मार्किंग पूरी ही कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, आपको इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। और आपको बता दूं, मैं आजकल पफ स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ब्लाउज़ भी बता रही हूँ प्रिंसेस कट की कटिंग के साथ। 36 साइज़ का ब्लाउज़ यहाँ पर बनाएंगे हम, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगी नए तरीके से स्टिचिंग, आप सिंपल ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, यहाँ पर अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से नीचे से 1.5 इंच यहाँ पर नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। जब भी हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो हमें फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये मैंने नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए, हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसमें हमारा टाइम भी बच जाता है मार्किंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से रखकर मैंने मार्किंग कर ली है। अब प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए हमें यहाँ पर बढ़ाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो आर्म होल्स तरफ से लेना है 1 इंच और नीचे की तरफ से लेना है 2 इंच। ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिंसेस कट में, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं तो हमारा फैब्रिक हमें कम हो जाता है, तो इतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि इसकी कटिंग हम बीच में से करते हैं। तो इतना आपको एक्स्ट्रा लेना ही है, नहीं तो ब्लाउज़ का जो हम मार्जिन लेते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है, फिटिंग भी बराबर नहीं आती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट की। स्लीव्स में मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, वो सिंपल हम कपड़े पे ही कटिंग करेंगे मैन फैब्रिक पर। तो देखिए, यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं 2.25 इंच। और अगर आप इसमें डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आप 2 इंच ही लें, और अगर डोरी लगा रहे हैं बैक पार्ट में तो आप 2.25 इंच तक भी ले सकते हैं। फ्रंट नेक लेंथ रखी है मैंने 7 इंच, आप अगर छोटा नेक पहनते हैं तो आप 6.5 इंच ही लीजिएगा। और नीचे से नेक की जो चौड़ाई है, नीचे से जो नेक की विड्थ है वो रखी है मैंने 3 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो राउंड शेप भी बना सकते हैं। और मैं आज आपको यहाँ पर बिना बुकरम के नेक बनाकर बताऊँगी। अगर आप इसमें बुकरम लगाना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है, आप देख सकते हैं। आप देखिए, प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए हमें यहाँ से विड्थ में लेना है 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे, इस तरीके से मार्क करना है। 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको इस तरीके से।
और यहाँ से लेना है आपको 4.25 इंच। नीचे से 3.5 लिया है, यहाँ से 4.25 इंच लिया है और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे की तरफ। अब ये जो लाइन है इसे मिला देना है आपको आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से शेप देते हुए। नीचे से टक्स के लिए मार्किंग करनी है हमें। विड्थ यहाँ पर हम विड्थ में लेंगे 2.25 इंच, 1.75 इंच लिया है और लेंथ में लेंगे 2 इंच इस तरीके से। नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर हल्के हाथों से शेप कर देनी है प्रिंसेस कट की। अब हमने यहाँ पर लेंथ में जो 1/2 इंच बढ़ाया हुआ है उसे इस तरीके से शेप दे देनी है ऊपर की तरफ। तो देखिए नीचे की तरफ से हमने 1/2 इंच इस तरफ कम कर दिया है और अब इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल्स की गहराई जो होती है फ्रंट पार्ट की वो हम स्टिचिंग के समय पर देखते हैं, तो आप स्टिचिंग वाला पार्ट ज़रूर देखें, नहीं तो आपको काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं जो आप कमेंट में पूछते हैं। तो प्लीज़ आप स्टिचिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट ज़रूर देखिए कि मैं गहराई किस तरीके से देती हूँ प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करने के बाद, जिससे हमारा जो कटिंग के बाद जो स्टिचिंग होती है वो अगर परफेक्ट होगी तो ब्लाउज़ भी बिल्कुल सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से छोड़ के और ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। सिर्फ हमें बीच का आर्म होल्स नापना है कि कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा 7.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। 1/2 इंच हमें यहाँ पर ऐड करना होता है क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स में हम गहराई देते हैं तो हमारा आर्म होल्स बढ़ जाता है। बचा हुआ फैब्रिक हमने इस तरीके से रखा है डबल फोल्ड करके इस तरीके से। तो यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स की कटिंग साथ में करेंगे। ब्लाउज़ में यहाँ पर हमें लंबाई में फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम इसमें पफ स्लीव्स बना रहे हैं, तो नीचे की तरफ से हमने यहाँ पर 1 इंच छोड़ दिया है फोल्ड करने के लिए। स्लीव्स की लंबाई आप जितनी रखना चाहते हैं अपनी पसंद से आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। 9 इंच पर मैंने मार्किंग की है। इतना फैब्रिक हमें प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। और यहाँ पर 8 इंच ले लिया है मैंने आर्म होल्स के लिए, 1.5 इंच नीचे से ले लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अगर हम बड़ी स्लीव्स बनाते हैं तो हमें उसे 3 इंच 3.5 इंच पे डाउन करना होता है। यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे इसे डाउन कर लिया है और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सिंपल स्लीव्स का जो हम शेप देते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर शेप कर देनी है स्लीव्स की। ये शेप मैंने यहाँ पर दे दी है। इसके बाद देखिए पफ के लिए प्लीट्स बनाने के लिए हमें ऊपर से फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपके पास जितना फैब्रिक होता है, मेरे पास यहाँ पर 4 इंच बच रहा है तो मैं 4 इंच ले लूँगी। अगर आपके पास 5.5 इंच तक भी होता है तो आप ले सकते हैं, उससे हमारी प्लीट्स यहाँ पर अच्छी बन जाएगी। तो देखिए ऊपर से मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए स्लीव्स का शेप ऊपर की तरफ मिला दिया है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ इसे मिला दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। नीचे से हमारा जो स्लीव्स राउंड होता है उसे मिलाते हुए कट कर लें। तो मेरा यहाँ पर 11 इंच है, उसका 1/2 ले लूँगी मैं 5.5 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर हम मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई हमारी। मार्जिन का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है 1.5 इंच। उसके बाद जो हमारे आर्म होल्स थे 8 इंच जो हमने नापे थे बैक पार्ट में, उससे मार्क करते हुए यहाँ पर हम 1/2 यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है इसमें हम अपनी प्लेट्स यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके से आपको चाहे तो आप आर्म होल्स रख के भी बैक पार्ट के नाप सकते हैं कि हमारा स्लीव्स के लिए कितना यहाँ पर प्लीट्स के लिए कपड़ा बच रहा है, वहाँ से आप एक छोटा कट लगा लिए और प्लीट्स के लिए मेजरमेंट ले सकते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। फ्रंट नेक हम इस तरीके से कट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये बैक ओपन है तो फ्रंट में आप अपनी पसंद से कोई भी नेक बना सकते हैं। मेन फैब्रिक को रखना है हमें सीधा इस तरीके से और अस्तर के फैब्रिक को हम इस पर रखेंगे इस तरीके से।
तो आज की जो स्टिचिंग है वो मैं आपको कुछ अलग तरीके से बता रही हूँ। इसमें शोल्डर भी आप अलग तरीके से फिनिशिंग से जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से रख कर यहाँ पर और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है नेक पे फिनिशिंग के साथ। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है इस तरीके से आपको, और पूरी ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि हमारा नेक अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करके एक सिलाई हम अस्तर वाले कपड़े पे लगाएंगे। कॉर्नर की सिलाई लगानी है यहाँ पर। सिलाई मैंने लगा ली है इस तरीके से, और इस पे अभी मेन सिलाई ऊपर की फिनिशिंग की नहीं लगानी हमें, वो हम बाद में लगाएंगे। इसे बराबर से कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है मेन फैब्रिक का। अस्तर के बराबर से इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करनी है। मैं 2.25 इंच रख रही हूँ यहाँ पर, और जो लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच पर रखी है। नीचे से 3 इंच लिया है और यहाँ पर इस तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इससे कोई अलग शेप नहीं दे रही हूँ, जो मार्किंग की है मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसे स्क्वायर नेक बना लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी नेक बना सकते हैं। और जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया है नेक का, उसी तरीके से बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है बीच में से और छोटी छोटी से कट लगा लेने हैं। अब इसे इस तरफ करके एक सिलाई अस्तर वाले फैब्रिक पर लगा लेंगे हम। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से बराबर कर लें। आप चाहें तो पिन भी लगा लें, और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसके नाप से हमें कट कर लेना है, क्योंकि हम मेन फैब्रिक थोड़ा बढ़ाकर कट करते हैं, तो हमें अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से इसे कट कर लेना है इस तरीके से। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से आपको रेडी करना है। देखिए यहाँ पर मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसे भी इस तरीके से रेडी कर लिया है, और शोल्डर किस तरीके से जॉइंट करना है अगर आप इस मेथड से करते हैं तो फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर जॉइंट होंगे। और देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट का अस्तर वाला पार्ट इस तरीके से रखा है, और यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरफ से रखते हुए हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ पर। एक तरफ का जॉइंट कर लिया है, दूसरी तरफ का भी हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है। ये देखिए दोनों नेक की जो सिलाई है वो सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए जो हमने अस्तर के फैब्रिक पर लगाई थी। अब आपको यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, और ऊपर नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो सिर्फ आप इसे चाहे तो प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपकी कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, आप इस पर आयरन करके नेक को बना सकते हैं, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका नेक दिखेगा फ्रंट से और बैक से। चाहे तो कच्ची सिलाई भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो पूरा ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद आप खोल भी सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद नेक के ऊपर प्रेस कर ली थी, जिससे नेक बिल्कुल फिनिशिंग से हो गया। और यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है हमें। तो यहाँ पर आगे और पीछे का जो नेक है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें साइड से सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेना है इस तरफ से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट रेडी करना है। तो दोनों पार्ट को मैंने आमने सामने रखा है इस तरीके से, और साइड से सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करते हैं तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ ही करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना होता है। नीचे से जब भी आप जॉइंट करेंगे तो आपकी जो नीचे की लेंथ है वो बिल्कुल बराबर होती है।
तो कोई भी पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे जॉइंट करना है और इस पे डबल सिलाई लगा लेनी है। दूसरा वाला पार्ट भी नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको जॉइंट करना है। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छा पफ भी आया है और फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो गया है। अब आर्म होल्स की गहराई हमें यहाँ पर करनी होती है, आधा इंच की गहराई हम करेंगे इस तरीके से। तो ये डीप नेक है, डीप नेक में गहराई हमें फ्रंट में ज़्यादा नहीं देनी होती है, हल्की सी गहराई देनी होती है आधा इंच की, तो वो हमने दे दी है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से गहराई कर देंगे। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट में लगा लेनी है प्लेट्स, तो हमने यहाँ पर प्लेट्स लगा ली है दोनों तरफ। प्लेट्स लगाने के बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कमर पट्टी लगाने से पहले हम हाई हुक की पट्टी लगा लेंगे, तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से फिनिशिंग से लगा रही हूँ, इसी तरीके से आप लगाइएगा। तो एक तरफ मैंने हाई की पट्टी लगा ली है, एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर आ रही है उसे हम कट कर लेंगे और दूसरी तरफ लगा लेंगे हम हुक की पट्टी। तो यहाँ पर लगानी है हमें इस तरीके से हुक की पट्टी। अब हम हाई हुक की पट्टी को बराबर रखकर चेक कर लेंगे कि कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पर बराबर करना है इसे नीचे की तरफ से, इस तरीके से एक तरफ पिन लगा लें और नीचे की तरफ से आप बराबर कर लें और ऊपर आर्म होल्स की तरफ से चेक कर लें कि कहीं कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो इसे कट करके बराबर कर लें। और नीचे की तरफ लगाएंगे हम कमर पट्टी, कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच के लिए है और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और लगा लेंगे हम इस तरीके से। एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कमर पट्टी लगा ली है और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए स्लीव्स में आप ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे से फोल्ड कर लेना है जितना आप फोल्ड करने के लिए लेते हैं। अगर आप फोल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप नीचे की तरफ पट्टी भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से फोल्ड कर लिया है, अब हमें करनी है सेंटर मार्किंग। देखिए सेंटर मार्किंग कर ली है और हमने जो यहाँ पर कट लगाया था यहाँ से हमें प्लेट्स लेनी है। तो यहाँ पर 3 प्लेट्स आएंगी, आप अगर फैब्रिक ज़्यादा लेते हैं, जैसे मैंने 4 इंच लिया है तो यहाँ पर 3 प्लेट्स आई है। अगर आप फैब्रिक ज़्यादा लेते हैं तो आपकी प्लेट्स यहाँ पर ज़्यादा भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको 3 ही प्लेट्स लेनी है। तो 1 प्लेट्स का मुंह मैंने इस तरफ रखा है और दूसरी तरफ का इस तरफ रखा है। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स लगानी है। देखिए मैं आपको एक और स्लीव्स रेडी करके दिखाती हूँ, आप इस तरीके से नाप भी सकते हैं कि हमारे आर्म होल्स पर बराबर आ रही है या नहीं। तो 1 प्लेट्स का मुंह आपको इस तरफ रखना है, हमने जो सेंटर वाला कट लगाया है उस तरफ, और दूसरी प्लेट्स का मुंह उस तरफ रखना है। तो दोनों आमने सामने आनी चाहिए प्लेट्स, इससे जो यहाँ पर बलून है वो अच्छी तरीके से आएगा आपकी स्लीव्स में। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली है, अब हम इसे अपने शोल्डर पे जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल्स में मैंने गहराई कर दी है इस तरीके से, तो दूसरी स्लीव्स पे भी आपको इसी तरीके से गहराई कर देनी है 1/2 इंच की। और यहाँ पर सेंटर से इसे जॉइंट करना है, स्लीव्स का सेंटर निकाल लें और शोल्डर पे रखकर आपको यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जॉइंट करना है। तो स्लीव्स आपको ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में जॉइंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट करनी है। एक तरफ कर ली है हमने, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है, अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसका सेंटर मार्किंग कर लेना है इस तरीके से और बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे।
और स्लीव्स का जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल सीधी। तो देखिए एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम अपने ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक पैर का मार्जिन हम रखते हुए हमने एक सिलाई कॉर्नर की लगा ली है यहाँ पर, और सेंटर से यहाँ पर हमें चेस्ट और वेस्ट का सेंटर मार्किंग करना है। तो चेस्ट का है हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पर आएगा 9 इंच और वेस्ट का आएगा 8 इंच। आपका वेस्ट का जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। सीधी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें फिटिंग के लिए, और स्लीव्स राउंड है मेरा यहाँ पर 13 इंच, तो मैं हाफ ले लूँगी 6.5 इंच, और नीचे का है बॉटम का 11 इंच, तो वो ले लूँगी मैं 5 इंच। आपका जो भी स्लीव्स का मेज़रमेंट होता है यहाँ पर आप वो लीजिएगा। और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम फिटिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।